नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हरदोई समाजवादी यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला अध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता ने महंगाई, बेरोजगारी और डूबती अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को दोषी ठहराते हुए समाजवादियों ने हरदोई नुमाइश चौराहे पर सरसों तेल की बोतलों का माला पहनकर, रोटी और खाली थाली लेकर प्रदर्शन कर सरकार तक आवाज पहुँचाने का काम किया। सरसों तेल की बोतलों का माला पहनकर हाथों में खाली थाली व रोटी लेकर सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से दूरी व मास्क के साथ सरकार तक जनता का दर्द पहुंचाने का काम किया। रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि आज भाजपा सरकार में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सब्जी व खाने के तेल के दाम सातवें आसमान पर पहुँच गए हैं। चौतरफा महंगाई से गरीब वर्ग परेशान हो रहा है, वहीं कड़ी मेहनत के बाद भी दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है। चौतरफा में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, व्यवसायिक बंदी, डूबती अर्थव्यवस्था की वजह से व्यापारी, किसान, युवा सब परेशान है। उन्होंने कहा 30 दिनों में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लगता है सेंट्रल विस्टा के प्रधान निवास कार्यालय महाविमान व भाजपा चुनाव खर्च का बोझ जनता के कंधों पर आ गया है। ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांगे? हम समाजवादी लोग आज हरदोई की नवाई चौराहे पर रोटी और थाली, गले में सरसों तेल का माला पहनकर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज दिन 30 दिन में 16 बार डीजल पेट्रोल के पैसे बढ़े हैं। सरसों तेल 175 रुपये लीटर बिक रहा है, रिफाइन 175 रुपये लीटर बिक रहा है, और दालें महंगी, सब्जी महंगी, खाद महंगी, हर चीज़ महंगाई है। आज जनता परेशान है। इधर लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें बंद रही, सभी व्यापारी परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। भाजपा ने जो रोजगार देने की वादा की थी, महंगाई कम करने का वादा किया था, ये सब झूठे साबित हो रहे हैं। सिर्फ भाजपा जुमले और जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। आज इसी के विरोध में हम समाजवादी लोग सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं।